जीवन की सुरक्षा, अपने परिवारों की रक्षा। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के ऊपर लगा है और बाजू में लिखा है संयंत्र की पहचान, उत्पादन में नित नए कीर्तिमान। हिंदी का जो व्याकरण जिस तरह से गढ़ा गया है, उसमें बाएं से दाएं लिखी जाती है भाषा, और जो पहले बाएं जो चीज़ बाएं लिखी होती है वो पहले पढ़ी जाती है और उसी को प्रधानता होती है। तो इन दो बोर्ड्स को जब हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट जो कि जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जिनको जवाहरलाल नेहरू कहते थे, वहाँ पे खतरे का काम ज़रूर होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन वहाँ उत्पादकता से पहले सुरक्षा की बात होती है। लेकिन ये सुरक्षा की बात जो यहाँ के गेट के ऊपर एक बोर्ड के ऊपर मढ़ी हुई है, इस तरफ आ जाइए क्योंकि सूरज की रोशनी इस तरफ है, ये कितनी मानीखेज है, इसको लेकर के भिलाई स्टील प्लांट कितना सीरियस है, इसको डिस्कस करने के लिए मेरे पास C2 के प्रेसिडेंट हैं जो भिलाई स्टील प्लांट में हैं। सर, मैं आपसे थोड़ा वक्त चाहूँगा, भिलाई स्टील प्लांट के जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं जिनको आप लगातार उठाते रहे हैं और जिनके बारे में आपका यह कहना है कि उनको इग्नोर किया जाता है, पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम SP डे है। अच्छा। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन एफिलेटेड टू C2 का प्रेसिडेंट हूँ मैं। अच्छा। और आप यहाँ पे कौन से शॉप में हैं सर? मैं यहाँ पे कोकोवेन में काम करता हूँ जी, सर्विंग एम्प्लॉय हूँ जी। हाँ सर, जो हमारी पहले बात हो रही थी कि यहाँ पे जो अभी सबसे रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 14 एम्प्लॉयज़ की जान गई है जी, उसका उस दिन क्या हुआ था और क्या उसके बारे में स्टील प्लांट को पहले आगाह किया गया था? देखिए, उस दिन जो हुआ था कोकोवेन गैस लाइन का। अच्छा, ये मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनका इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है तो थोड़ा आसान भाषा में यदि आप बता सके। बता रहा हूँ, यहाँ पे एक शॉप है कोकोवेन। कोकोवेन में कोक बनता है, कोक बेसिकली कोल से बनता है, कोल को भट्टे में गर्म किया जाता है और गर्म करके उससे कोक बनाया जाता है जो ब्लास्ट फर्नेस में जिसका उपयोग होता है। और इस कोक बनाने की विधि के दौरान गैस उत्सर्जित होती है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। अच्छा, बहुत गर्मी बहुत होती है। हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा। उसका जो ताप का मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इस गैस को पूरे भिलाई स्टील प्लांट में एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा। तो यही ईंधन का जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कोकोवेन गैस लाइन। अच्छा। ये इसका नेटवर्क पूरे प्लांट में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कोकोवेन नेटवर्क गैस लाइन का नेटवर्क पूरे प्लांट में फैला हुआ है। उस दिन 9 तारीख को, 9 अक्टूबर की बात है जी हाँ, 9 अक्टूबर को, इसी साल का 9 अक्टूबर 2018 जी हाँ, 9 अक्टूबर को उस कोकोवेन गैस लाइन से उसका एक डमी प्लेट होता है, डमी प्लेट को निकाल कर उसे पूरा थ्रू किया जाना था, गैस का पूरी प्रवाह को मेंटेनेंस का काम नहीं था उसमें। अच्छा। कोकोवेन गैस लाइन में एक जगह में डमी प्लेट लगा हुआ था, मतलब दो तरफ के गैस आपस में मिले हुए नहीं थे। अच्छा। तो उसके सर्कुलेशन को बरकरार करने के लिए उसको नाम दिया गया था गैस लाइन, गैस मेन को एस्टेब्लिश करने के लिए, माने पाइप के दोनों ओर में गैस है, वो दोनों तरफ माने वो गैस का प्रवाहित हो, इस वजह से उस डमी प्लेट को हटाना था। तो इस डमी प्लेट को हटाना काफ़ी ख़तरनाक काम है और उस ख़तरनाक काम के लिए जितने इंतजाम थे वो सब किए गए थे, लेकिन कुछ चीज़ है वो इग्नोर हो गया था। अच्छा, जैसे उसमें इग्नोर ये हुआ था कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो ऐसे जगह पे थी और वो लोग ऐसे जगह पे खड़े थे जहां उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था, वो एकदम नज़दीक में खड़े थे रेस्क्यू करने के लिए, तो रेस्क्यू करने के लिए उतना उसकी वजह से क्या हुआ कि वो खुद स्वयं उसकी चपेट में आ गए। अच्छा। स्वयं भी चपेट में आ गए, दूसरों को भी नहीं बचा सके। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें जिन खतरों को भांप नहीं पाए थे। अच्छा, और आप ये कह रहे थे कि आपने ये हादसा हो सकता है इसकी ताकीद प्लांट को की थी, ये कब की बात है सर? जी हाँ, उसके ठीक एक हफ्ता पहले माने 2 अक्टूबर को कोकोवेन का जो सेफ्टी वीक है उसका समापन होना था, उस समय भी हम लोगों ने ये उठाया था, लंबे समय से उठा रहे हैं कि जो बड़े बड़े हादसे हैं उन बड़े हादसों में जिसमें जाने भी गई है और ऐसे हादसे जिसमें जाने नहीं गई है, जैसे 6 जनवरी 1986 की घटना। अच्छा, तब क्या हुआ था सर? 6 जनवरी 1986 को कोकोवेन का जो बैटरी है, बैटरी के सामने एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 22 लोगों की जान गई थी, जिसमें लगभग 9 अधिकारी भी थे। इसी तरह से 1 फरवरी 2010 की एक घटना जिसमें पावर प्लांट के केबल में पूरी आग लग गई थी। इसी तरह से 5 दिसंबर 1996 की घटना जिसमें पूरा प्लांट ठप हो गया था पावर प्लांट ट्रिप होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें
जो सीधे सीधे दुर्घटना नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी एक पावर प्लांट ट्रिप हो जाने से, पूरा पावर केबल जल जाने से, और जो अचानक जो प्लांट में पूरा ठहरा ठप होता है, उससे जो खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में प्रेजेंटेशन बनाकर हमने प्रबंधन को सलाह दी थी कि इसे पूरे प्लांट के लोगों को दिखाया जाए, समझाया जाए, लेकिन जिसे प्रबंधन ने मैंने किया भी है तो जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं किया। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता, एक आपसे पूछना चाहता था कि एक चीज़ होती है दुर्घटना होना लगातार आगाह होने के बाद भी एपिसोड्स, और एक चीज़ होती है सिस्टम। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिकली यहाँ पे जो सेफ्टी है उसको नेगलेक्ट किया जाता है? जी हाँ, मैं दो तरह से बोलूँगा। सबसे पहले ये चीज़ जान लेना चाहिए कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अपने आप में एक हैजर्डस प्लांट है, जान का खतरा होता है। हैजर्डस दुनिया के 7 जोखिम भरे उद्योगों में से एक होता है स्टील प्लांट, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। यह इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इसीलिए खतरा है क्योंकि इसके अंदर में केमिकल के प्लांट्स भी हैं, इसके अंदर में जैसे मैंने अभी बताया कि विस्फोटक गैस के नेटवर्क भी है, इसके अंदर में विस्फोटक दूसरे जो पदार्थ है उसके भी प्लांट हैं। तो इस तरह से ये दुनिया के जो जोखिम भरे उद्योगों की श्रेणी में आता है। अच्छा। अब इससे बचने के दो उपाय हैं, दो तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो ये कि मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। मैं एक छोटी उस खामी का उदाहरण ये दे सकता हूँ कि पिछले 4 वर्षों से यहाँ कोई सेफ्टी कमिटी नहीं है जो स्टैट्यूटरली मैंडेटरी है। फैक्ट्री एक्ट की धारा 43 के अनुसार हर फैक्ट्री के अंदर में एक सेफ्टी कमिटी होनी है। दूसरी बात जो हमने उठाई है वो ये है कि पूरे भिलाई स्टील प्लांट को एक फैक्ट्री के रूप में रजिस्टर्ड कराया जाए, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन ने इसे 43 फैक्ट्रियों के रूप में रजिस्टर करा के रखाया हुआ है। इसकी वजह से कई ऐसे विभाग है जो फैक्ट्री के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वहाँ खतरे बने हुए हैं, वो भी उस वजह से इग्नोर हो जाते हैं। अच्छा, ये इस तरह की बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। ये थे भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बताते हुए C2 के वर्किंग प्रेसिडेंट, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जिस संस्थान के बोर्ड पे लिखा है कि सुरक्षा उत्पादकता से पहले आती है, फायदे से पहले आती है, वहाँ पर सिस्टमैटिकली संस्थागत तरीके से सुरक्षा की अनदेखी की जाती है। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट से मनोज के साथ में हूं निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।